इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अटेंडेंट आते हैं हमारे ऊपर चढ़ बढ़ चढ़ के हमसे जवाब सवाल करते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं, इससे हम कैसे अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे? साथ ही साथ हम किस तरीके से हॉस्पिटल प्रीमिसेस में हम अपना वर्क कर सकते हैं? अगर कोई हमें धमकी देगा हम किस तरीके से उनके साथ काम करेंगे, कैसे डील करेंगे? अगर वहाँ गार्ड अवेलेबल नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरेज नहीं होंगे, क्या प्रूफ रहेगा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है? इसीलिए हमने ये मार्च निकाला है ताकि जो हो चुका है उसको इंसाफ मिले और आगे ये काम ना हो और आगे ये केस हमें देखने को ना मिले। That's why we want justice। एक स्टाफ नर्स है, बाकी स्टाफ नर्स यहाँ है और डॉक्टर भी, इमरजेंसी सर्विसेज खुली हुई है। गैली अस्पताल में आप अभी भी देखें इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ के स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी नहीं है वही सिर्फ यहाँ मार्च में हिस्सा लिए हैं। आप जाके देख सकते हैं, कोई भी मरीजों को असुविधा नहीं होगी ना उनकी जान पे हानि आएगी। क्या नाम है मैम? वंदना। वंदना, हम लोग को अपनी सेफ्टी के लिए आप सब सुन रहे हैं कि हम आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये आप जो निकाले मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाए? सॉरी, मार्च आपका जो पेंडल मार्च हॉस्पिटल से आया था। मैंने सुनने में आया कि आप जो 18 तारीख से पूरी तरीके से हड़ताल कराएंगे। पूरी तरह से नहीं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं सारी चल रही हैं, उसके साथ हम लोग इस मार्च में भी सम्मिलित हैं। पहली बार वहाँ पूरे देश के मेडिकल छात्र इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इससे क्या स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगा सकता है? स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी तो डगमगाएगी, लेकिन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमें न्याय भी तो चाहिए, सेफ्टी भी तो चाहिए ना। डॉक्टरों का भी सपोर्ट आप लोग को मिलेगा? जी हाँ, डॉक्टर का, नर्सेज का सबका सपोर्ट है। अभी सारी सब नर्सेज और डॉक्टर सब एक टीम होकर के काम कर रहे हैं और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं और ये सब कुछ क्लियर और क्लियर मैनर में हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उन्हें इस मैटर को दबाना नहीं चाहिए, रेदर देन जो कल्प्रिट है उन्हें फांसी देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी सेम कहना है कि महिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो रखा है फिर भी जस्टिस देने में इतना डिले कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। और जहाँ की मतलब सीएम फीमेल है वहाँ पे फीमेल को जस्टिस मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो बाकी जगह तो क्या ही बोलेंगे। मैम आप प्रदर्शन इस तरह से कर रही हैं, मरीजों का मतलब जो वो होगा परेशानी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन है? नहीं, जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो तो चालू है, बाकी जो इलेक्टिव और ओपीडीज हैं वो इमरजेंसी में काउंट नहीं होता, तो वो अभी हॉल्ट कर रहा है। अभी इमरजेंसी सर्विस हम लोग वहाँ क्यों के आए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज 24 आवर्स के लिए ये है। अच्छा, ये 24 आवर्स, ये बस 24 आवर्स के लिए। जैसा कि मैम लोग को पता चला है कि आज जो है आप लोग जो निकाले हैं ये अपनी आवाज़ आपने उठाया है और 18 तारीख तक आप लोग जो इमरजेंसी भी चला रही हैं, लेकिन 18 तारीख बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी, 18 तारीख में इमरजेंसी बंद करेंगे हम लोग। हाँ, तो ये सुनवाई वाले नहीं हो रही है, तो उसके आगे का आपका क्या हो? अभी तो देखिए हमने एक्सपेक्ट करा है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, बाकी अब आगे जिस हिसाब से सॉल्यूशन निकलेगा उसके हिसाब से हम अपना डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आपका नाम क्या मैडम? मेरा नाम आरती यादव है। आरती यादव,